हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा भी कहते हैं, जो भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाता है, वो असल में उनकी भूख प्यास मिटाता है। साईं बाबा? कौन साईं बाबा? वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन वो इंसान के रूप में भगवान ही है। अगर साईं बाबा भगवान है तो क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कई लोगों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। तुम्हारे पिताजी को भी वो नई जिंदगी दे देंगे। तुम इन्हें लेकर शिरडी जाओ। और यहाँ याद रखना, जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। खोलो, दरवाजा खोलो। कौन? खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? खोलो। कौन हो तुम? मेरी पत्नी वहां गिरी पड़ी है, उसे बचा लो। माँ, माँ, उसे माँ, उसे उसे बचा लो। अरे उठो, उसे बचा लो। पानी पी लो। तुम अब ठीक हो ना बहन? नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं है। हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया। आओ, मैं तुम सबको खाना खिलाती हूँ। किसी भी भूखे की भूख शांत करना मेरी तृप्ति करने के बराबर है। हर प्राणी मात्र में आत्मा होती है, जो परमात्मा का ही अंश है। भूखे की भूख मिटाने का मतलब है उसकी आत्मा को तृप्त करना, मतलब परमात्मा की पूजा करना। प्राणी भले ही अलग अलग आकृति और प्रकृति के हों, बोल सकते हों या ना बोल सकते हों, लेकिन हर किसी के पेट में भड़कने वाली भूख एक समान होती है। इस सत्य को हर किसी को जान लेना चाहिए कि जो भूखे को भोजन कराता है, वो असल में मुझे ही भोजन कराता है। सबका मालिक एक। बहन, आज तुमने पेट भर खाना खिलाकर हम लोगों को अपना दास बना लिया। ऐसा मत कहिए, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपना आतिथ्य धर्म निभाया है। आपकी भूख प्यास मिटाकर मैंने तो भगवान की पूजा की है। बहन, साईं बाबा भी कहते हैं,
जो भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाता है वो असल में उनकी भूख प्यास मिटाता है। साईं बाबा? कौन साईं बाबा? वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन वो इंसान के रूप में भगवान ही है। अगर साईं बाबा भगवान है तो क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कई लोगों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। तुम्हारे पिताजी को भी वो नई जिंदगी दे देंगी। तुम इन्हें लेकर शिरडी जाओ। और हाँ, याद रखना, जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। हम शिरडी जरूर जाएंगे। हम साईं बाबा की शरण में जरूर जाएंगे। मेरी शरण में जो कोई आता है मैं उसका उद्धार करता हूँ। मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, अपने भक्तों का दास हूँ मैं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है, जो हमेशा मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का स्वयं वाचन करता है और दूसरों को सुनाता है, मेरा गुणगान करता है, उसका मैं कल्याण करता हूं। जो मुझे भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पण करता है मैं स्वीकार करता हूं और अपने उस भक्त का उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। अरे राम राम राम, है ये देखो है? अरे तांगे वाले, तांगे में घोड़ा लगा है या गधा है? अरे तेज क्यों नहीं चल रहा है टांगा? क्योंकि घोड़ा नाराज है, टांगे में गधे बैठे। अरे गधे नहीं, गधा बैठा है मूरख। दिखाई नहीं देता तुझे है? मरना चाहता है तो किसी कुएं में छलांग लगा दे। हाँ बिल्कुल। मेरे बाबा ठीक से चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसीलिए रास्ते से हट नहीं सके। कोई बात नहीं, अभी हटो, चलो हटो। हमें शिरडी जाना है। हा? क्या ये रास्ता शिरडी जाता है? शिरडी? आप शिरडी क्यों जा रहे हैं? साईं बाबा के दर्शन करने के लिए किसी ने हमें बताया था कि वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे। राम राम राम, देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं शिरडी का नाम बदनाम कर रहा है। तो क्या आप लोग साईं बाबा को जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं उस ढोंगी पाखंडी को। वो सबको अपनी बातों में फुसलाता है। अरे ना तो वैद है ना डॉक्टर, वो तुम्हारे इलाज कैसे करेगा? बिल्कुल। अरे शिरडी जाने से तो अच्छा है किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा वरना मर जाओगे। चलिए जी आगे आप। हाँ हाँ चलो। रे जी, वो लंगड़ा है, उसे टांगे में बिठा ले। अरे चुप कर मूरख, नहीं तो तुझे भी उतार दूंगा। चलिए बाबा। नहीं, अगर साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, तो हम साईं बाबा के पास नहीं जाएंगे। हम वापस चलते हैं। अब मैं किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराऊंगा। लोगों को पाप ताप शाप से मुक्ति देने आया हूं, उनके कष्ट, उनके दुख दर्द सहनी करने आया हूं। फिर भी जब वो लोग मेरे पास नहीं आते तो
मुझे भी मानना पड़ता है कि इंसान की जिंदगी में कर्म और कर्मों से बना उसका भाग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग ढोंगियों और पाखंडियों पर विश्वास करते हुए मुझे ढोंगी समझते हैं तो दुख होता है श्यामा मुझे। मैं लोगों को नई उम्मीद नई आशा दिलाने आया हूं लेकिन लोग मुझे निराश करते हैं। फिर भी ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनके सामने किसी भी रूप में प्रकट होता। तुम रास्ता भटक गए हो दादोबा। सब कुछ जानता हूं बेटे। तुम तो शिरडी जा रहे थे ना, इधर किधर जा रहे हो? आपको कैसे मालूम है कि हम शिरडी जा रहे हैं? मुझे सब पता होता है बेटी, इसलिए इंसान जब रास्ता भटक जाता है तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं आ जाता हूं। जाओ बेटे, शिरडी जाओ। बेटे, वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके दरवाजे पर खुशनसीबी दस्तक देती है और वो झट से दरवाजा खोल देते हैं। तुम्हारे दरवाजे पर तो खुद मालिक दस्तक दे रहे हैं बेटे। जाओ शिरडी जाओ। नहीं, नहीं, मैं अस्पताल जाऊंगा, मैं अस्पताल जाऊंगा, मैं अस्पताल जाऊंगा। बहुत बदनसीब हो तुम। अब की बार जिस व्यक्ति को हमने साईं बाबा के विरोध के लिए चुना है और जिसे लेकर हम यहाँ से शिरडी जाएंगे, वो साईं बाबा का भक्त नहीं बनेगा। वो तो सारी दुनिया के सामने उस साईं बाबा का ढोंग, उसका पाखंड, उसका नाटक खोल के रख देगा। कौन कौन है वो महात्मा है? एक हठयोगी वैजी, हठयोगी। वैजी जल्दी चलिए, योगीराज स्वामी योगेश्वर जी आ रहे हैं। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। कौन है ये स्वामी? ये पहुँचे हुए स्वामी हैं, जो साधारण लोग काम नहीं कर सकते वो स्वामी जी कर सकते हैं। महाराज की, योगेश्वर 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 महाराज की। अरे आठ आठ दिन जमीन के अंदर समाधि लेते हैं। अन्न और जल के बगैर महीनों रह सकते हैं, इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? योगी राज स्वामी योगेश्वर जी ने अपनी योग विद्या से तुम्हारे बाबा से भी बुरी दशा वाले मरीजों को ठीक किया है। अरे लेकिन तुम तो सरकारी अस्पताल गए थे ना? हाँ, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं है। स्वामी जी के पास हर बीमारी का इलाज है, वो मुझे जरूर ठीक कर देंगे। योगेश्वर महाराज की जय। द्वारिका नाथ जी, मैं देख रहा हूँ जब स्वामी जी शिरडी में पानी के ऊपर चलेंगे तो मारे शर्म के वो ढोंगी साईं पानी में डूब जाएगा। डूबने और डुबाने वाला वो है और बचाने वाला भी वो है। मालिक ही मारक है और मालिक ही तारक है। वही होता है जो वो चाहता है। कोई कितना भी किसी का बुरा करने की कोशिश करे, कितनी भी किसी को बद्दुआ दे, उस मालिक की दुआ साथ है तो किसी की भी बद्दुआ का असर नहीं होगा। हठयोगी योगेश्वर महाराज की। अरे हठयोगी योगेश्वर महाराज की। हठयोगी योगेश्वर महाराज की। प्रणाम। हाँ ठीक है ठीक है। स्वामी जी मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए महाराज।
आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ ठीक है जाओ। स्वामी जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। हट योगी योगेश्वर महाराज की जय। हट हट अरे 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 रो मत बेटी, अपने बाबा से कहना जहाँ जहाँ स्वामी जी ने कदम रखे हैं वहाँ वहाँ की धूल अपने शरीर पर लगा ले। अरे फंस गए तुम लोग उनकी बातों में, वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़े ही है जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते ढोंगी है वो। आया आया आया। बाबा किस बात पे क्रोधित हुए आप? जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है तो मुझे क्रोध आता है नानावली। अपने आप को विद्वान ज्ञानी योगियों के योगी कहलाने वाले जब किसी की भावनाओं के साथ जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे क्रोध आता है। अरे किसी का भला नहीं कर सकते ना करो, बुरा तो मत करो। किसी को सम्मान नहीं दे सकते ना दो, उसका अपमान तो ना करो। बुरा व्यवहार करके किसी की अवहेलना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी के हाल पर हंसना उसका मजाक उड़ाना क्या आपको शोभा देता है? अपने आप को योगी कहते हो और अपने मन पर अंकुश नहीं लगा सकते, कैसे योगी हो तुम? शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए। मैं जब दुखियों को पीड़ितों को देखता हूं तब मेरा मन अशांत हो जाता है महालसापति, अशांत हो जाता है। तो फिर ऐसे ज्ञानियों को समझाइए जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो ज्ञानी ही क्या श्यामा जिन्हें समझाना पड़े। अरे दुख की बात यह है कि एक साधारण इंसान ऐसे ज्ञानियों को ऐसे योगियों को अपना भगवान समझता है। महालसापति क्या करूं मैं? दुखियों का सहारा बनो या ऐसे अहंकारी लोगों के अहंकार का विनाश करूं? ये सब देखकर वही सवाल मन में आता है महालसापति कि क्या इस शरीर की मर्यादा का पालन करते हुए मैं काम पूरा कर सकूंगा जो मालिक ने मुझे सौंपा है? सबका मालिक एक। भागी मुझे माफ कर देना, जन्म जन्म का साथ देने का वादा मैं इसी जन्म में तोड़ रहा हूँ। हमारी बेटी जनी का ख्याल रखना, मेरे कारण तुम दोनों दुखी हो, इसीलिए मैं अपनी इस लाचार जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूँ। सुखी रहो। बड़ी अच्छी नींद लगी थी मेरी तो। बाबा जेनी की बाबा, बाबा जेनी की बाबा, बाबा बाबा जेनी की बाबा। जिम्मेदारियों से डरकर भाग रहे हो दादोबा? मैं हर तरफ हर जगह होता हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। बाबा
मैं अपनी इस अपाहिज जिंदगी से तंग आ गया हूँ। ठीक है, तुम अपाहिज हो, लेकिन तुम किसी के पति हो, किसी के पिता हो। क्या तुम्हारा उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे तो वो जिंदगी भर अपने आप को अपराधी समझेंगे। अपना और अपनों का उद्धार करने के लिए उस मालिक ने तुम्हें जिंदगी दी है। भगीरथी और जनी तुम्हें ढूंढ रही है। जाओ दादोबा, जाओ। पापा, जेनी के पापा। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? साईनाथ, आप तो योगियों के योगी हैं, आपने तो विकारों को जीत रखा है साईनाथ। फिर भी मैं कभी कभी हार जाता हूं। मालिक ने मुझे लोगों का करुणा कर बना कर भेजा है, इसलिए जब जब मैं कोई करुण दृश्य देखता हूं, पिघल जाता हूं। मैं यहां हर किसी को करुणा देना चाहता हूं, उनका दुख दर्द दूर करना चाहता हूं, और इसीलिए उन्हें यहां शिरडी बुला लेता हूं। कई जगह तो मैं किसी दूसरे रूप में जाकर करुणा देता हूं। तुम्हारे साईं बाबा पर आज जिनका विश्वास है, वो तत्काल मेरे पास यहां चले आते हैं, और जिन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, वो मुझसे दूर रहते हैं। जो मेरे पास आते हैं, उन्हें मेरी कृपा का लाभ होता है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं महालसापति कि सभी मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरी कृपा का लाभ उठाने सब शिरडी में आएंगे। मेरे शब्द याद रखना महासापति। मेरे
इस शरीर को त्यागने के बाद शिरडी में लोगों का तांता लगा रहेगा। लोग मेरी समाधि के दर्शन करने और अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने आते रहेंगे। इतनी भीड़ होगी कि लगेगा लोगों का समुंदर शिरडी में प्रकट हुआ है। आज भी मैं किसी को निराश नहीं कर रहा हूं। मेरे जाने के बाद भी मेरी समाधि किसी को निराश नहीं करेगी। हर पीड़ित पर, हर दुखियारे पर मेरी समाधि कृपा करेगी। उनके दुख दर्द का इलाज करेगी। बस मालिक, मालिक से यही प्रार्थना है कि वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर किसी की पीड़ा दूर कर सकूं। सबका मालिक। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। भागी, अब मैं थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। पर हमें शिरडी जाना है बाबा। शिरडी तो अभी बहुत दूर लग रही है बेटी, और मुझे चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं शिरडी के रास्ते में दम तोड़ दूं। शुभ शुभ बोली, आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? आप ही तो कहते थे कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। साईं बाबा के दर्शन करने के लिए रास्ते में जो भी कष्ट होगा वो हम सहेंगे। कितनी भाग्यशाली बेटी है तू, लेकिन लेकिन दुर्भाग्यशाली है जो हम जैसे गरीब और लाचार के घर में पैदा हुई। मैं भाग्यशाली हूँ माँ, जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले। साईं बाबा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा, और आप भी कहेंगे हम तीनों भाग्यशाली हैं। मुझे होश में लाने के बाद और हम लोगों को खाना खिलाने के बाद मैना बहन ने क्या कहा था? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कईयों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। जब स्वामी योगेश्वर जी की पैरों की धूल से आप ठीक नहीं हुए थे तो उस आदमी ने क्या कहा था, याद है ना आपको? वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़ी है,
जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते, ढोंगी है वो। कितना विश्वास है लोगों को साईं बाबा पर, लेकिन हमने उन पर विश्वास नहीं किया। हमने उन्हें ढोंगी समझा, पाखंडी समझा। वो मालिक है और मालिक दयालु होता है। साईं बाबा हमें माफ कर देंगे। हमें जल्दी उनके दर्शन करने चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। साईं बाबा, जब आपने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी तो हमने दरवाजा नहीं खोला। अब हम आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहे हैं। कृपा करके अपना द्वार बंद मत करिएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बोल।